हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी लर्निंग विद एनी। आई होप यू ऑल विल बी गुड एंड फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। जनाबे सदर, मेरे असातिज़े कराम और अजीज साथियों, अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी तकरीर का उनवान है वेलेंटाइन डे और इस्लाम। वेलेंटाइन डे का त्यौहार मोहब्बत के नाम पर मनाया जाता है। इसे हर साल 14 फरवरी को सारी दुनिया में सरकारी, गैर सरकारी, छोटे और बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। लेकिन आज मैं इस्लाम में वेलेंटाइन डे की हैसियत का जिक्र करूंगी। इस दिन लोग अपने चाहने वालों को सुर्ख गुलाब या सुर्ख रंग का गिफ्ट देकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। चाहे सारा साल एक दूसरे को देखना पसंद ना करें, लेकिन इस दिन बहुत एहतमाम से ये अंग्रेज़ों की रस्म को ज़िंदा करके खुश होते हैं कि आज हमने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इस्लाम में इस किस्म की खराफात की कोई हैसियत या औकात नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस्लाम के अहकामात और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम के अहकामात और इर्शादात को पामाल करके ये दिन मनाकर शैतान को खुश करते हैं। हालांकि दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि दिलों में मोहब्बत और नफ़रत डालने वाला एक अल्लाह है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम पर जान निछावर करते थे, लेकिन मोहब्बत के इजहार के लिए इस किस्म की कोई रस्म उनसे साबित नहीं है। बल्कि अक्सर उलमाए कराम ने तो ये दिन मनाना हराम करार दिया है। इस्लाम तो मोहब्बत का दर्स देता है। हर दिन हमें मोहब्बत और उल्फत से रहना चाहिए, लेकिन इसके इजहार के लिए एक ख़ास दिन या वक्त मुकर्रर करने की इस्लाम में कतन कोई इजाज़त नहीं है। हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी कौम की मुशाहबियत इख्तियार करे, वो हम में से नहीं। मुअज़्ज़िज़ सामईन, लिहाजा हमें इन बेहुदा रसूमात और खराफात से बचना चाहिए और इस दिन को मनाने वालों की भरपूर तर्दीद करके एक सच्चे मुसलमान होने का सबूत देना चाहिए।